हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम जो वर्कशीट देखने वाले हैं वो है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 39। ये 3 अक्टूबर की, मतलब आज की ये वर्कशीट है। तो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये है बेस्ड आपके मुडाल्स पर। तो अभी तक आपने बहुत सारे मुडाल्स किए हैं और इस वर्कशीट में हम मुडाल्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स, वट मैसेज डू दे कन्वे, राइट, यूज मोडल। तो आपको यहाँ पर ये पिक्चर्स को देखना है और फिर आपको ये बताना है कि ये कौन सा मैसेज कन्वे करते हैं, और आपको मोडल्स को यूज करते हुए ये बताना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं कि ये पी का साइन और उस पर क्रॉस लगा हुआ है। तो ये साइन वहां पर होता है जहां पर आप पार्किंग नहीं कर सकते हैं, वहां ये साइन लगा हुआ होता है। तो इसलिए यहाँ पर होगा वी कैन नॉट पार्क हियर। ये जो साइन है जनरली वहां पर होता है जहाँ बच्चे होते हैं, या फिर जैसे स्कूल अगर आगे होता है तो वहां पर ये साइन होता है। इसका मतलब होता है कि प्लीज स्लोली ड्राइव कीजिए, क्योंकि आगे स्कूल है और वहाँ बच्चे रोड पर अचानक आ सकते हैं। और ये जो साइन है, ये जो लास्ट साइन है, ये इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से राइट टर्न नहीं ले सकते हैं। तो इन चीजों को लिखने के लिए आप इनको मोडल्स यूज करते हुए कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी कैन नॉट पार्क हियर, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे वी शुड ड्राइव स्लोली, देयर इज अ स्कूल अहेड। और तीसरे में आप लिखेंगे वी कैन नॉट टेक अ राइट टर्न फ्रॉम हियर, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का यहाँ आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका। तो सेकेंड क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो, चेंज देम एज गिवन इन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर तीन तरह के सेंटेंसेस हैं। तो पहला है सर्टेनिटी कि हाँ ऐसा होगा ही होगा, और दूसरा कैटेगरी है पॉसिबिलिटी कि हाँ ऐसा हो सकता है, और तीसरा है इम्पॉसिबिलिटी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है और एग्जाम्पल की तरह ही आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं और इस टेबल को फिल करना है। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे सर्टेनिटी के लिए आप बता रहे हैं आई विल स्टडी टूडे, मैं आज जरूर पढ़ाई करूंगा या करूंगी। फिर पॉसिबिलिटी में आप बता रहे हैं आई मे स्टडी टूडे, हो सकता है कि मैं आज पढ़ाई करूं। फिर इम्पॉसिबिलिटी में आई कांट स्टडी टूडे, मैं आज नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती। तो इसी तरह से आपको जो है बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो पूरे करने और इस टेबल को फिल करना है। तो देख लेते हैं कि सेकेंड सेंटेंस क्या है। तो यहाँ सेकेंड रो में जो सेंटेंस आपको दिया गया है वो है शी माइट बी हियर, हो सकता है वो यहाँ पर हो। तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे इस सेंटेंस को। यहाँ लिखा है शी माइट, माइट जनरली पास्ट टेंस में यूज होता है, मतलब कि हो सकता है वो यहाँ पर हो, शी माइट बी हियर। तो अगर इसी को आपको सर्टेनिटी के साथ बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं शी मस्ट बी हियर, वो जरूर यहीं पर होगी, शी मस्ट बी हियर। वहीं आप अगर यहाँ पर लिखेंगे इसको इम्पॉसिबिलिटी में लिखेंगे कि कैसे वो नहीं होगी, तो शी कैन नॉट बी हियर, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं शी कैन नॉट बी हियर। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो ये आपका यहाँ सेकेंड रो में आप यहाँ फिल करेंगे। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड आपका कहता है, यहाँ इम्पॉसिबिलिटी में आपको दिया हुआ है राजीव कुड नॉट हैव मेट एनी वन, तो राजीव किसी से नहीं मिला होगा, जरूर वो किसी से नहीं मिला होगा। तो ये इम्पॉसिबिलिटी है, पहले सर्टेनिटी देख लेते हैं। तो यहाँ कुड नॉट है, थोड़ा पास्ट टेंस में है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं राजीव मस्ट हैव मेट समवन, ये सर्टेनिटी है, वो जरूर किसी से मिला होगा, राजीव मस्ट हैव मेट समवन। तो इसको आप अब यहाँ एनीवन नहीं लिख सकते, राजीव मस्ट हैव मेट एनीवन, ये तो ये इनअप्रोप्रिएट है। यहाँ जरूर वो किसी से तो जरूर मिला है, तो इसलिए किसी से आते ही यहाँ पर समवन हो जाएगा, राजीव मस्ट हैव मेट समवन। फिर यहाँ पॉसिबिलिटी में इसी तरह के सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं यह पॉसिबिलिटी है, तो आप लिखेंगे राजीव माइट हैव मेट समवन। तो अगेन किसी से मिलने की संभावना है, किसी आ गया है तो आप समवन जरूर लिखेंगे, और माइट इसलिए क्योंकि यहाँ कुड नॉट है, ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है। तो राजीव माइट हैव मेट समवन, तो इसलिए फिर इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगा राजीव कुड नॉट हैव मेट समवन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वी मस्ट रीड एवरी डे, हमें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। अब इसी को अगर आप पॉसिबिलिटी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे वी मे रीड एवरी डे, या वी कैन रीड एवरी डे,
तो ये पॉसिबिलिटी है, वी मे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ कैन भी लिख सकते हो, वी मे और वी कैन रीड एवरी डे। फिर इसी को जब आप तीसरे उसमें लिखेंगे, यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी में जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि वी कैन नॉट रीड एवरी डे, तो ये इम्पॉसिबिलिटी है, वी कैन नॉट रीड एवरी डे या वी मस्ट नॉट रीड एवरी डे, तो यहाँ मस्ट नॉट भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों ही ठीक रहेंगे, वी मस्ट नॉट रीड एवरी डे, वी कैन नॉट रीड एवरी डे। वैसे कैन नॉट मच बेटर है, क्योंकि मस्ट नॉट तो फिर वो गलत हो जाएगा, आपको पढ़ाई तो देखो रोज करनी ही चाहिए, तो कैन नॉट ठीक है कि हम कर नहीं सकते हैं, तो कैन नॉट इज अ बेटर ऑप्शन हियर, वी कैन नॉट रीड एवरी डे लिखेंगे तो बेटर रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, मोनिका स्कूल नहीं जाएगी, अब इसकी सर्टेनिटी क्या है, मोनिका विल गो टू स्कूल, वो जरूर स्कूल जाएगी, मोनिका विल गो टू स्कूल। फिर इसका पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी भी सिंपल सा ही है, आप पहले इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर इस वर्कशीट को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप क्रॉस चेक कीजिए अपने आंसर्स। तो यहाँ पर हो सकता है मोनिका मे गो टू स्कूल, हो सकता है वो स्कूल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका गौरी माइट मेक अ करियर इन आर्ट, तो गौरी जो है आर्ट्स में अपना करियर शायद बनाए, तो ये माइट है, तो ये पास्ट टेंस में है, तो आप यहाँ पर अगर पहले सर्टेनिटी कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं गौरी विल मेक अ करियर इन आर्ट, या मस्ट भी आप लिख सकते हैं, विल भी लिख सकते हैं, मस्ट भी लिख सकते हैं, गौरी विल मेक अ करियर इन आर्ट, गौरी माइट मेक अ करियर इन आर्ट। तीसरा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इम्पॉसिबिलिटी में, गौरी कुड नॉट, वो नहीं बना पाई, कुड नॉट मेक अ करियर इन आर्ट, यहाँ माइट है, पास्ट टेंस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी पास्ट टेंस कुड नॉट यूज किया है, कैन नॉट भी हो सकता है, लेकिन इसको देखते हुए अप्रोप्रिएट कुड नॉट बेटर होगा, गौरी कुड नॉट मेक अ करियर इन आर्ट। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन टू हो गया है, और क्वेश्चन टू का यहाँ से आप आंसर्स आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, पहले खुद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसमें भी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है इमेजिन यू आर अ पेरेंट, वट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर हाउस, राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, यूज मोडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन और परमिशन। तो ये बड़ी ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपको अपने आप को पेरेंट्स के कदमों में डालना है, पेरेंट्स की जगह पर रखना है, और फिर सोचना है कि जब आपके यहाँ बच्चे होते तो फिर आप कैसे, कौन से रूल्स जो हैं अपने घर में चलाते, और फिर यहाँ पर आप जो है मोडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन यूज कर सकते हैं, मोडल्स ऑफ परमिशन यूज कर सकते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पर लिखे हैं सेंटेंसेस, आप बिल्कुल चाहें तो अपने वर्ड्स में इनको लिख सकते हैं, या आप अपने रूल्स बना सकते हैं कि कौन से रूल्स आप चाहेंगे कि आपके घर के बच्चे फॉलो करें। तो यहाँ पहला रूल हमने जो लिखा है वो है कि वी मस्ट नॉट एंटर होम वेयरिंग डर्टी शूज और स्लिपर्स, वी शुड वाइप देम ऑफ ऑन डोरमैट बिफोर एंटरिंग होम, तो हमें गंदे जूते चप्पल पहन के घर में बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। फिर वी शुड हेल्प इन सर्विंग फूड एंड कीप आवर डिशेस इन द सिंक वंस वी आर फिनिश्ड विद आवर मील्स, तो हमें जो है खाना सर्व करने में सबकी मदद करनी चाहिए, और साथ ही साथ जैसे ही हम खाना फिनिश कर ले हमें अपने प्लेट्स और कप जो है या ग्लासेस जो है वो सिंक में खुद रख के आना चाहिए, किसी और का वेट नहीं करना चाहिए कि वो आके हमारे बर्तन झूठे बर्तन वहां रखे, हमें एज किड्स हमें खुद ये रखना चाहिए। वी मस्ट कीप थिंग्स बैक एट द प्लेस फ्रॉम वेयर दे वर पिक्ड सच एज रिमोट कंट्रोल प्लेटिंग्स एक्सेट्रा, तो हमने जहां से चीजें उठाई हैं वहीं वापस उन्हें रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाई और कहीं पर फेंक दी, तो अगर टीवी के पास से रिमोट कंट्रोल उठाया तो वहीं पर वापस जाना चाहिए, उसे इधर उधर कहीं खो देना नहीं चाहिए, या कहीं बेड के नीचे सोफे के नीचे नहीं फेंक देना चाहिए। तो यहाँ मैंने वी लगाया है क्योंकि मेरे हिसाब से घर में सभी के लिए ये रूल होने चाहिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी ये रूल्स होने चाहिए, तो इसलिए हम सब मिलकर ये करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि सिर्फ बच्चों के लिए आप स्पेसिफिकली ये रूल्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ यू भी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं यू मस्ट नॉट एंटर, यू शुड कीप, आप ऐसे लिख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों को सेम रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ वी लिखेंगे। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड 19 स्प्रेड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग्स,
तो अभी जो COVID-19 स्प्रेड हो रहा है आसपास, ऐसे टाइम में आप अपने छोटे भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे, ये आपको नीचे लिखना है। आपको मोडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, एडवाइस या सजेशन यूज करना है। बिल्कुल अपने हिसाब से लिखिए इन सेंटेंसेस को। यहाँ पर हम आपको सैम्पल आंसर दे देते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए आप खुद मोडल्स को यूज करते हुए यहाँ पर आप सेंटेंसेस लिखें। तो पहला हमने जो लिखा है कि वी मस्ट वेयर मास्क एवरी टाइम वी स्टेप आउट ऑफ आवर होम, वी शुड वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर, एंड वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंस आउटसाइड आवर होम। तो अगेन सेम बात है, जो आप अपने छोटे भाई बहनों को बात बताएंगे वही आपको खुद भी फॉलो करनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ वी लिखा है। आप चाहें तो यहाँ यू भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि हम सभी को ये फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर वी लिखना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। आप चाहें तो इसको यू भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इमेजिन अ फैमिली इन योर नेबरहुड इज क्वारंटाइन एट होम ड्यू टू कोविड। तो आपके नेबरहुड में कोई फैमिली क्वारंटाइन है, मतलब कि वो अपने घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, वो बाहर निकल के चीजें नहीं ले सकते हैं। तो हाउ कैन यू हेल्प देम एंड व्हाट वुड यू आस्क देम टू डू। तो आप उनकी कैसे मदद करेंगे और क्या आप उनके लिए करना चाहेंगे, और उससे उनको कैसे आप ये पूछेंगे कि क्या मैं ये कर दूं। तो आप यहाँ पर मोडल्स ऑफ ऑफर, इनविटेशन और रिक्वेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि आप उनसे पूछ रहे हैं या आप अपनी हेल्प उन्हें ऑफर कर रहे हैं या आप उन्हें इनवाइट कर रहे हैं कुछ करने के लिए। तो आप कैसे वो कर सकते हैं ये चीजें। तो सबसे पहले आप उनको कैसे मदद कर सकते हैं, कुड आई ब्रिंग ग्रोसरीज एंड अदर एसेंशियल्स फॉर यू एंड ड्रॉप देम एट योर फ्रंट डोर। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें खरीद के ला दूं और आपके मेन गेट पर मैं ड्रॉप कर दूंगा, वहां से आप पिक कर सकते हैं, ताकि क्योंकि वो ऑब्वियसली उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, वो आपसे तो मिल नहीं सकते, आपसे डायरेक्ट हैंड से तो ले नहीं सकते। तो आप अगर उनके लिए खरीद कर ले आएंगे और घर पे छोड़ देंगे तो वो वहां से पिक करके ले लेंगे, तो उनकी मदद हो जाएगी। सेकेंड यहाँ हमने लिखा है, कुड आई डू अ वीडियो कॉल एंड प्ले ऑनलाइन गेम्स एवरी नाउ एंड देन विद योर यंगर चाइल्ड टू कीप हिम मेंटेन एंटरटेन। तो आप यहाँ पर पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्प ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं कभी कभी आपके जो घर में छोटा बच्चा है उसके साथ ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेल लूँ, ऑनलाइन गेम्स खेल लूँ, या फिर वीडियो कॉल करके थोड़ा कॉन्वर्सेशन कर लूँ, बातें कर लूँ, क्योंकि ऑफकोर्स छोटे बच्चे आप घर में कब तक अंदर बंद रहेंगे, क्वारंटाइन रहेंगे। तो इस तरह से वीडियो कॉल करके या फिर ऑनलाइन गेम्स उनके साथ खेलकर आप उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं और बोरियत से उन्हें बचा सकते हैं, तो इसमें भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये मदद आप उनके लिए ऑफर कर सकते हैं। फिर तीसरा आप पूछ सकते हैं, यू मस्ट इन्फॉर्म अस इमीडिएटली ओवर फोन और टेक्स्ट इन केस ऑफ एनी नीड और इमरजेंसी। तो आप उनको साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, तो एक तरह से ये पोलाइट इन्विटेशन है। यहाँ मस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें धमकी दे रहे हैं, आप डेफिनेटली उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं कि देखिए जैसे ही आपको कोई भी जरूरत है या इमरजेंसी है आपको इमीडिएटली हमें फोन पर बताना चाहिए या टेक्स्ट करना चाहिए, आपको जरूर करना चाहिए। तो एक तरह से ये पोलाइट इनविटेशन है आपकी तरफ से। तो ये जो है आप इस तरह से आप उनको ऑफर कर सकते हैं हेल्प या इन्वाइट कर सकते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल अपने हिसाब से भी यहाँ पर सेंटेंसेस लिख सकते हैं और इस वर्कशीट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए। कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।